बहुत कमाल का व्यू है इस व्यू पॉइंट से। यार फंस गया दलदल में यार, पता नहीं क्या कर रहे हैं। रिकॉर्ड करो। रिकॉर्ड किधर लगा? खेल रहा है भाई वो। इधर आ देख, इधर इधर आ, इधर दिया। अब की फंसा है भाई फिर तो, मतलब है ना दलदल है वहां पे ना। हां दलदल के बीच मतलब पैर पूरा अड़ गया, हम कट रहे हैं। और रस्सी से खींच रहे हैं ना, देख रहे हैं? अच्छा और खींच रहे हैं, मतलब फाइनली रेस्क्यू कर लिया गया। बाकी पता नहीं क्या सीन है, क्या कहानी थी। We are enjoying the viewpoint and feeling like we are on the heaven. Enjoying fresh air, very nice view. It's like a freedom. Yes. See yourself. Just feel the melodious sounds of this nature. Put black leopard. Go down there. See. Study over here. दोपहर के 12 बजने वाले हैं और अभी हम आ रहे हैं नीचे जहाँ से हमने ये ट्रैक शुरू किया था। अरे वाह क्या मस्त हवा चल रही है। जाने आगे देख, वहां पे पहुंच जाएंगे बीच में आइलैंड वाली जगह पर। अच्छा अभी हमने बात की फॉरेस्ट रेंजर से, तो वो बोल रहे हैं कि ये ट्रैक आगे आगे और 2 किलोमीटर तक है। अभी ये रास्ता यहाँ पे बना रहे हैं, पक्का कर रहे हैं। अभी इस रास्ते को ये पक्का कर रहे हैं। व्हाट अ सीनिक व्यू। सांबर कितनी दूर आगे और जाना है हमने? चलो निकल गया। अच्छा अब हम उसी जगह जा रहे हैं जहाँ पे हमें वो ऊपर से सांबर दिख रहा था, वो रेस्क्यू कर रहे थे। तो अभी उनसे बात हुई, रास्ते में मिले हमें फॉरेस्ट रेंजर, तो वो कहते वहाँ पे दलदल थी, उसका पैर धंस गया, उसे रेस्क्यू कर लिया गया है। सम मोर स्टेप्स। नहीं नहीं जाएगा आगे ये रास्ता है, दिख रहा है। हाँ दिखने में दूर से ऐसे ही लग रहा था आगे रास्ता बंद है।
वहाँ पैरों के निशान थे, तो समझ में आ रहा था कि किस तरह जाना है हमने। अरे आगे फिर से तीखी चढ़ाई। अभी पीछे वाली चढ़ाई तो जबरदस्त थी, 45, 55, 60 degrees तीखी चढ़ाई बिल्कुल। अभी ढलान है, पर उस जगह तो सोच लिया है जाके आएंगे अब। दिस इज वन ऑफ द लेस एक्सप्लोर्ड प्लेसेस अराउंड चंडीगढ़। और ये वाला रास्ता तो बिल्कुल ही अनएक्सप्लोर्ड होगा भाई। यस, चंडीगढ़ मोहाली रोपड़। और यहाँ पे नेटवर्क आ रहा है अभी मोबाइल में हिमाचल का। दम चढ़ गया, सांस चढ़ गया, अभी सीधी चढ़ाई। सेक्टर में हथियार छड़ते हैं, चढ़ रहे सेक्टर पूरा पानी गल। और वो जगह जो दिख रही है खड्डा था, वहाँ पे वो सांबर फंस गया था। चलो देखते हैं पास से जा। यहाँ जगह जगह सांबर और हिरनों के कंकाल पड़े हुए हैं, मतलब ये जगह गिद्धों के लिए बिल्कुल सही है। काफी दलदली जमीन है ये, तो ज्यादा आगे नहीं जाएंगे हम। और यहीं से देखिए ये खूबसूरत व्यू। अच्छा, पहले हम उस वाले वॉच टावर से रिकॉर्ड कर रहे थे नीचे का सीन। वो वाला। तो ये वो जगह है। जहाँ पे रेस्क्यू कर रहे थे सांबर का। तो इस साइड से बस अब जाने ही वाले हम थोड़ी देर में। उसके बाद जाएंगे हम डैम की दूसरी तरफ, जहाँ पे शायद हमें दिख जाएं पक्षी, माइग्रेटरी बर्ड। अच्छा, उनकी आवाज़ें यहाँ पे सुनाई दे रही थी, गिद्धों की, चीलों की, पर हमें दिखा कुछ नहीं यहाँ पे। अच्छा, सुबह जहाँ से ही हमने शुरू किया था ट्रैक, तो वहीं पे वापस आ गए हम। यहाँ से जा रहे हैं बाहर वापस, तो इसके आगे चलते हैं डैम की दूसरी तरफ। वाह, यहाँ तो और भी खूबसूरत नज़ारा है। काफ़ी सारे रेजिडेंट और माइग्रेटरी बर्ड्स हैं यहाँ। दूर किनारों पर सिनेरिस वल्चर और हिमालयन ग्रिफिन अपना भोजन करने में लगे हुए हैं। और सुरखाब यानी रूढ़ी शेल्डक्स की तो बहुत गिनती है यहाँ। ये जगह पंजाब के बर्डिंग हॉटस्पॉट्स में से एक है, जहाँ रेजिडेंट और माइग्रेटरी बर्ड्स की 160 से भी ज़्यादा स्पीसीज रिकॉर्ड की गई हैं।
वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर करें और साथ ही चैनल करें सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।